बेहद खास मेहमान हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से अनिल यादव हमारे साथ हैं। अनिल जी, वाकई में क्या सरकार जाने वाली है? जो अभी अभी दो मुद्दे ऐसे हमने सदन के अंदर देखे, पहले तो दिल्ली सेवा बिल का पास हो जाना और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का गिर जाना, और फिर भी हौसले इतने बुलंद कि सरकार जाने वाली है। मीनाक्षी जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव था, ये इसलिए नहीं कि हम सरकार को हटाना चाहते थे, हम तो सरकार की जवाबदेही तय करना चाहते थे कि जो मणिपुर में घटनाएं घट रही हैं, जो भयावह स्थिति है, जो हमारी माताएं बहनों के साथ जो हरकतें हो रही हैं, उन्हें निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं, हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं, उसके लिए जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री आखिर क्यों नहीं आते संसद में? तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि प्रधानमंत्री उस पर जवाब दें। लेकिन कल के भाषण में प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि वो कोई कर्मयोगी नहीं है, वो तो कुर्सी योगी हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माताएं बहनें किस हाल में हैं, एक प्रदेश जल रहा है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप देखिए कि 1.5 घंटे से ज्यादा समय उन्होंने अपनी योजनाओं को गिनवाने में दिया। कोई व्यक्ति इतना आत्मुग्ध कैसे हो सकता है कि 1.5 घंटे लगातार अपनी ही तारीफें करते गए? आज मणिपुर हार गया है, भारतीय जनता पार्टी जीती हो हारी हो या विपक्ष हारा हो जीता हो वो अलग बात है, लेकिन आज मणिपुर हार गया, उनके लोगों की उम्मीदें हार गई हैं। उन्हें उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि आखिर क्यों उनकी डबल इंजन की सरकार होते हुए उनके साथ ये स्थिति हुई, आखिर क्यों पुलिस खुद आतंकियों को महिलाओं को सौंप रही थी कि करिए इनका बलात्कार करिए, आखिर क्यों पुलिस की हजारों राइफलें इनके आतंकियों के पास थी, क्यों इनकी की कारतूस इनके पास थी, आखिर क्यों पुलिस और असम राइफल आमने सामने, लेकिन उस पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। आखिर क्यों प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए? आप रुके ही नहीं, और इसलिए 1.5 घंटे बाद इसलिए प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे बाद कि जब आप आरोप लगाते हैं तो सुनने की क्षमता भी रखें। वो सुनने की क्षमता विपक्ष में नहीं थी। मैं आऊंगी अनिल जी इस पर आपके पास, लेकिन सिद्धार्थ जी ये बताएं कि जो इनकी आशा थी कि मणिपुर के मुद्दे पर बोलना चाहिए था, लेकिन 1.5 घंटे के बाद बोले, और बोले भी तो इतिहास याद दिलाया। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो खुशी की बात है कि मेरे कांग्रेस के मित्र ने एक्सेप्ट किया कि सरकार को हटाने की हमारी कोई मंशा नहीं थी। मतलब बहुत बड़ा एहसान किया, मतलब आप सरकार को हटा सकते थे। मुद्दा तो ये था कि आपने एक मुखौटा पहना मणिपुर का, और आपने चर्चा कराने के ना कराने के बहाने ढूंढे। आपको बोला जाए कि इसमें चर्चा कराओ तो आपने सोचा नहीं नहीं इसमें तो पक्का ही चर्चा हो जाएगी, तो दूसरा बहाना लेकर के आते हैं। मतलब आपने शुरुआत से, सदन की शुरुआत होने से पहले माननीय गृह मंत्री जी ने स्पीकर महोदय को पत्र लिखा और उन्हें बोला चर्चा होनी चाहिए। सदन के अंदर आपको खड़े होकर के बोला, दोनों सदनों के नेताओं ने बोला कि इसमें चर्चा होनी चाहिए, आपको खुद को आपको पत्र लिखा और आपको बोला इसमें चर्चा होनी चाहिए, आप नहीं माने। कभी आप रूल का बहाना ले आए, कभी आप किसी और चीज का बहाना ले आए। अब आपने कहा कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव में हम जो है चर्चा करवाएंगे मणिपुर की। पर वास्तव में आपके जितने लोग अविश्वास प्रस्ताव में बोले वो कितना मणिपुर पर बोले? राहुल गांधी जी को तो घुटने का दर्द याद आ गया था, अहंकार याद आ रहा था, भारत जोड़ो यात्रा याद आ रही थी, उनको रुई याद आ रही थी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं, जितनी विफलताएं, जितनी मैं कहूंगा शर्मनाक घटनाएं हमने संसद में इस सत्र में देखी हैं, मतलब बड़े बड़े नेताओं द्वारा, चाहे वो राहुल गांधी हो, अधीर रंजन चौधरी हो, किस स्तर के भाषण दिए गए और किस प्रकार का रवैया वहां पर करा गया, और उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं बोलने के लिए, वो देश की बात बता रहे थे, अपनी बात नहीं बता रहे थे। यही कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाती, वो अपनी तारीफें नहीं गिना रहे थे, वो देश की तारीफें गिना रहे थे, और आप उसको नहीं सुन पा रहे क्योंकि ये आपकी कमी है। और आपने जिस बहाने को लिया कि मणिपुर पर, मैं आखिरी 5 सेकंड लूंगा, आपने जो बहाना लिया था कि हम मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं, वो आपका मुखौटा खुल गया, आपकी वो परत हट गई, जब माननीय प्रधानमंत्री के बोलते हुए भी आप सदन से बाहर निकल कर चले गए। आप चर्चा नहीं चाहते थे, आपने चर्चा में भाग नहीं लिया, और ना ही आप चर्चा आगे करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मणिपुर से कोई मतलब नहीं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज देश का मंगल हो रहा है लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देता, आप एक काले टीके का काम करते हैं। इतना ही नहीं, पूरी की पूरी विपक्षी सोच को शुतुरमुर्ग करार दे दिया। और आज जब नीतीश कुमार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री संसद में रहने के बजाय वो बाहर घूमते हैं जब चर्चा चलती है, तो पूर्व के इतिहास भी आप याद दिला दीजिए। क्या इतिहास में ये नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी है बजाय इसके कि हर मिनट टू मिनट भाषण में रहना जरूरी है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।